धवन और रहाणे के बाद उमेश यादव ने भी लगवाई कोरोना की वैक्सीन, लोगों से की खास अपील। महाराष्ट्र में आ जाए 53,605 नए कोरोना के केस, वहीं 864 मरीजों ने तोड़ा दम, फंगल इंफेक्शन से 8 की मौत। लोगों के मन से कोरोना का भय को मिटाने के लिए फील्ड पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ, मुरादाबाद और बरेली का गांवों का किया दौरा। लोकल सर्किल की सर्वे में खुलासा, दिल्ली के 70% लोग चाहते हैं 2 हफ्ते का और बढ़े लॉकडाउन। बंगाल में फिर हिंसा, बीजेपी डीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 1 की मौत, 6 घायल। अस्पताल में भर्ती होने के लिए अब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं, सरकार ने बदली नीति। मोदी सरकार पर शिवसेना का हमला, नेहरू गांधी के बनाए सिस्टम पे ही देश इस कठिन समय पर लड़ पा रहा है। महाराष्ट्र में कैसे हैं कोरोना के हालात, पीएम मोदी ने कल उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की केंद्र से मांग, टीकाकरण के लिए ऐप बनाने की मिले इजाजत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सुब्रमण्यम स्वामी और गडकरी का जिक्र कर शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, करीब 2,500 नए मामले, 62 लोगों की गई जान। वही बंगाल में पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक नए मामले आने के बाद एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मौतें, 127 लोगों की गई जान।